नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का वैकनिक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने कट किया है। जितनी लंबाई रखना है आपको, एक इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। शोल्डर लिया है 6.5 इंच, आर्म होल लिया है 6 इंच, 2 पॉइंट गले की चौड़ाई का निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे। बी गले पर ये डिजाइन है, इसलिए हमने इसका शोल्डर बढ़ाया है ताकि अच्छे से हमारे गले के ऊपर से चौड़ाई आए। चाहें तो कम भी कर सकते हैं ऊपर। तो इस तरह से बी गले का निशान कर लिया है। अब इसको निकालना है बुकरम के ऊपर। लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से ही आपको लेना है। जो साइज है, साइज के हिसाब से जितनी लंबाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। बस जितनी रखना है उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। अब इस तरह से देखिए, हमने इसको अच्छे से दोनों तरफ से निकाल लिया है निशान को गले के। फिर उसके बाद कट कर लिया है, तो हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगाकर इसको तैयार करना है। तो ये देखिए, सिलाई इस तरह से लगाकर पूरे पर नीचे की तरफ से इसको कंप्लीट किया। उसके बाद साइड से इस तरह सिलाइयाँ लगाई। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कर लिया। बराबर से मोड़ते हुए यहाँ पर एक कट लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब गले को लेना है और लाइनिंग वाले कपड़े पर रखते हुए पहले एक सिलाई देखिए हमने बीचों बीच डाल दी है। चाहे तो सिलाई डाल दें या तो प्रेस लगा दें, इसको पेस्ट कर लें। उसके बाद बाहर वाली तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई डाल दिया है कपड़े को। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए रखना है और पूरे गले पर सिलाई लगाना है। पहले एक सीधी सिलाई डालेंगे ताकि सिलाई लगाते समय बिल्कुल बराबर से गले पर सिलाई लगे। तो ये सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको कट करना है। तो इस तरह से गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कट कर लिया। पूरे पर काट लगाना है। तो ये पूरे पर काट लगा देंगे। उसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है और ऊपर से एक सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिलाई लगाई, गला हमारा इस तरह तैयार हुआ। अब हमें इस पर डिजाइंस बनानी है। डिजाइंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2-2 इंच का चौकोर कपड़ा कट करना है। तो ये हम इस तरह से 2-2 इंच का चौकोर कपड़ा कट करेंगे। उसके बाद इसको देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। तो इस तरह छोटी छोटी सी डिजाइनें बनानी हैं जो कि पूरे गले पर लगेंगी। उसी हिसाब से मैं ये बना कर रेडी कर लेना है। जितनी लगेगी तो इसी तरह से इस तरह डिजाइनें बना कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, डिजाइनें हमें पूरी तैयार कर लेनी है। पहले ये डिजाइन से लगेगी पूरे गले पर, गले के अंदर वाली तरफ से। तो इस तरह देखिए, इसको लगाना है। गले के अंदर वाली तरफ से रखेंगे इसे और सिलाई लगाते जाएंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है, छोटी छोटी सी ही ये डिजाइन हम रखेंगे। तो इस तरह से एक बराबर से रखना है और पूरे गले पर इसको लगा लेना है। यहाँ पर थोड़ा छोड़ देंगे, पूरे पर नहीं लगाएंगे। 1 इंच नीचे जब आएंगे तो छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से भी इसी तरह लगा लेना है। ये हमने देखिए डिजाइने लगा ली है। अब हमें ये फ्रिल के लिए पट्टी लेनी है, जो कि हम लगभग 1.5 इंच चौड़ाई रखेंगे फ्रिल की। उसी हिसाब से इसे लिया है। डबल फोल्ड में लेना है।
तो 3 इंच कपड़े की चौड़ाई ले लेना है। डबल फोल्ड करते हुए सिलाई डालना है। उसके बाद छोटी छोटी चुनर देते हुए फ्रिल को हम गले पर ही बनाएंगे। चाहे तो बाहर बनाकर वही गले पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से बनाते जाएंगे और इसे लगाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से लगाना है। यहाँ तक लगाएंगे, इसे भी नीचे से 1 इंच छोड़ देंगे जितने पर हमने वो डिजाइने लगाई है। दूसरी तरफ से भी लगा लिया। उसके बाद देखिए इस पर पट्टी हमें लगाना है। तो इस तरह से पट्टी को तैयार करेंगे। तिरछे कपड़े पर ये बनानी है क्योंकि गले पर लगाना है। तो तिरछे कपड़े पर इस तरह से पट्टी हमें तिरछा कपड़ा कट कर लेना है। फिर सिलाई लगा कर इसको पलट कर सीधा करना है। सीधा करने के बाद पूरे गले पर इसको लगा लेंगे। तो ये जो फ्रिल वाला कपड़ा है अच्छे से उसकी सिलाई इसके अंदर कवर हो जाए। चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेंगे, पतली ही लेना है। अब इस तरह से इसको पलट लिया है। पलटने के बाद देखिए यहाँ से इसको इस तरह से लगाएंगे। तो हमने लगा लिया इसे, पट्टी को लगा दिया पूरे पर। पट्टी को लगाने के बाद अब देखिए डिजाइनों पर हमें मोतियाँ लगानी है। पहले इन डिजाइनों पर लगाएंगे, फिर फ्रिल पर भी लगाएंगे। तो इस तरह देखिए मोती लगानी है, हर एक डिजाइन के बीच में एक एक करके इस तरह लगाना है। तो हमने इन डिजाइनों पर मोतियाँ लगा ली है। अब हमें फ्रिल पर लगाना है। पट्टी के बिल्कुल नीचे से एक चुन्नट छोड़ते हुए हर तीसरी चुन्नट पर इस तरह से फ्रिल लगाएंगे। यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना है, बिल्कुल सटाते हुए नहीं लगाना है। दो दो पॉइंट की दूरी पर इस तरह से पूरे फ्रिल पर मोतियाँ लगा देनी है। तो ये देखिए हमने फ्रिल पर मोती लगा दी है। डिजाइन हमारा तैयार हुआ। बी गले पर आप इस तरह से डिजाइंस बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, लुक इसका काफ़ी प्यारा आएगा। और लास्ट में इसका प्लेट्स बना देंगे। तो इस तरह दोनों प्लेट्स बना देंगे, डिजाइंस रेडी हुआ। अगर डिजाइंस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।